बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं हमारे चैनल पर शोहराए आफाक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के किरदारों की हकीकत और ये किरदार अदा करने वाले अदाकारों की जिंदगी पर मबनी वीडियोस का सिलसिला जारी है। तक हमने जो भी वीडियोस बनाई है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और हमारी आज की वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम बात करेंगे बाछू नोयान के बारे में। ड्रामे में इस किरदार को पेजू नोयान का मेरासी दिखाया गया है। मॉडर्न अंदाज में अगर कहें तो ये नोयान का डीजे है। पूरे ड्रामे में दुनिया से बेखबर मैदान जंग हो या जंगल बियाबान, दिन हो या रात, मस्त मलंग तफ बजाता, धमाल डालता और अपनी खास तलिस्मी मौसीकी गाता बाछू नोयान कौन था, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं, नोयान सरकार के मुरीद खास और खलीफा मोहतरम साईं बाछू सरकार, उनका काम सरकार नोयान के साथ हम्मा वक्त रहना और रूहों से मुजाकरात करना था और मालूम करना था कि मनहूस रूहें सरकार नोयान से क्या चाहती हैं और फिर रूहों और नोयान सरकार के बीच कासिद का काम सर अंजाम देना था। उसका दूसरा अहम तरीन काम सरकार नोयान की खिदमत में गाय की खोपड़ी के बने हुए बदबूदार प्याले में खून पेश करना था। वो इतने शैतानी जहन का मालिक था कि दुनिया जहाँ के उल्टे और खराब काम वो मोहतरम सरकार नोयान से करवा लिया करता था और उन्हें जब उसकी वायात हरकतों का इल्म होने लगता तो वो जल्दी से रक्स पेश कर देता कि जान है तो जहान है, अभी नाच लो बाद की बाद में देखेंगे। उसकी एक खास अदा थी कि सरकार नोयान साहिब को जब तेज दिलवाना होता तब दफ उठाकर सरकार नोयान के आगे पीछे गोल राउंड मारता और साथ ही मुंह से तोगी बैंड की तर्ज में आवाज निकालकर दफ बजाता जाता था, जिससे मालूम होता है कि वो आला क्वालिटी का मरासी था। उसका वो गोल राउंड क्या ही कमाल का होता था, खुद भी गोल गोल घूमता था और ऐसा लगता था कि अर्ज़ो समा को भी वजद में लाए जाते हैं। एक तो वो गंदी आवाज जो वो अपने मुँह से बरामद करता था, ऊपर से हु का आलम, जंगल बियाबान, कैंप फायर के मजे और सोने पे सुहा, हर तरफ अजीबुल खलकत मंगोल। और वो बहुत अच्छा नाई भी था बल्कि कमाल का हेयर ड्रेसर। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो पानी में देखकर उस्तरे के साथ अपनी टिंड खुद ही कर लेता था। ये अलग बात है कि टिंड का सत्यानाश कर देता। एक जंग में वो सरकार नोयान के साथ शरीक था कि गाजी अर्तुगरुल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही गाजी तुर्कुत अल्ब से कहा, तुर्कुत इस कुत्ते की आवाज तो बंद करो। फिर क्या था, गाजी तुर्कुत का कुल्हाड़ा घूमने की देर थी, बाछू सरकार की पहले ही से टिंड थी तो उनके सर के दो टुकड़े करने में जरा सी भी मुश्किल ना हुई। वैसे आपस की बात है, इनको अपने जंगली और वहशियाना थाफ बमाए रक्स पर इतना लगाव था कि मरहूम मरते वक्त भी इसी फेल कभी में मसरूफ अमल थे। हराम है जो आंख उठाकर इर्द गिर्द का माहौल देखा हो, ओ भाई अड़ोस पड़ोस में कौन से चचा जान की शादी हो रही है जो मौसूक रक्स फरमा रहे हैं। अच्छा भला पता था कि सामने गाजी अर्तुगरुल, गाजी अब्दुर्रहमान, गाजी तुर्कुत अल उनके साथियों की बेख कूनी में जुड़े हुए हैं। कम अज कम बंदा भाग ही जाता है, मगर दाद देनी पड़ती है कि टिंड के दो हिस्से करवा लिए मगर मोर्चा छोड़कर फरार ना हुए। उसका जनाजा सरकार नोयान ने अपने मकरूह हाथों से मंगोल रिवायात के मुताबिक आग में जलाकर अदा किया और बाद अज मर बुलंदी दर्जात के लिए एंग्री से बाजमात खुसूसी दुआ भी फरमाई गई। अजीबुल खलकत आजाद मर्ग था। दोस्तों इस ड्रामे में बजाहिर आसान और मजाया दिखने वाला ये किरदार इंतहाई मुश्किल था। इस किरदार को अदा करने वाले अदाकार का नाम केगलर यिगी तुगलारी है। उन्होंने 2001 से अदाकारी का आगाज किया और ये किरदार इतना मुश्किल था कि इसके लिए उसको चुना गया। वेलकेंट यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्रेजुएशन किए हुए ये अदाकार ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस किरदार को निभाया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।